गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके मेरे चैनल भावना धामी ब्लॉग्स में स्वागत है। हर्षु आज ठीक है तो आज हर्षु स्कूल जा रहा है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आज हर्षु को हमने स्कूल भेज दिया है। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी नितिशा को लेने, इसको छुट्टी का टाइम हो रहा है। एकदम से मौसम भी ख़राब हो गया है आज। अभी तक धूप थी, धूप ही है, तो देखिए मौसम भी ख़राब हो रहा है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो देखिए गाइस ये देखिए काफ़ी हवा चल रही है, मौसम एकदम से ख़राब हो गया है। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ रोड से नीचे। आज हमारा प्लान घूमने जाने का है, देखते हैं मौसम कैसा होता है, उसके बाद बताएंगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बारिश हो गई तो नहीं जाएंगे और थोड़ा बहुत तबीयत भी ख़राब है, तो पाँव में दर्द है, पाँव मुड़ा है मेरा हल्का सा, एंड हाथ में भी दर्द है। देखते हैं थोड़ी देर में कैसा होता है, 3:30 बजे तक, उसके बाद जाते हैं। ये देखिए मौसम, तो गाइस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी मैं नितिशा के स्कूल। और स्कूल का रास्ता बहुत ही ख़राब हो रहा है, सबसे पहले दिन मैं वहीं गिरी थी रास्ते में, तो वहीं पे मेरे पाँव में लगी थी, उस दिन से मेरा पाँव बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, बार बार मुड़ जा रहा है और दर्द हो रही है पाँव में, नीला हो गया एकदम। ये देखिए मौसम, तो गाइस ये देखिए रास्ते की चल रही है खुदाई, सिविल लाइन बन रही है और खेत के रास्ते से है आजकल रास्ता। यहीं पे गिरी थी मैं आगे पे, एंड आज खेत के रास्ते से जा रहे हैं हम लोग। बच्चों की छुट्टी होने में 5 मिनट है, ये है स्कूल और देखिए रास्ता ऐसा हो रहा है। पूरी खुदाई चल रही है रास्ते की। ठीक कर दिया है यहाँ का रास्ता, गेट में खड़ी है आंटी। तो गाइस ये देखिए गेट बंद है स्कूल का, आंटी जा रही है अंदर, ये है स्कूल। और ये देखिए मेरे पीछे ये है ऑफिस, और ये देखिए ये है स्कूल का गार्डन। आंटी बैठ गई, आंटी को थकान हो गई है, मैं भी बैठ जाती हूँ, मेरा पाँव दर्द कर रहा है। तो गाइस ये देखिए मौसम हो गया है बिल्कुल ख़राब, अभी छुट्टी नहीं हुई है, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, आंटी ये सारे पेरेंट्स बैठे हैं, ये देखिए सब लोग वेट कर रहे हैं। देखो तो गाइस ये देखिए आंटी को बज गई है बेल, आने वाले हैं बच्चे, देखते हैं। ये देखिए गाइस स्कूल के बच्चे, पहले छोटे बच्चों को छोड़ते हैं तो उसके बाद बड़े बच्चे आते हैं। तो गाइस रेडी हो गए तो हम आ गए हैं घर से जाने के लिए। बारिश शुरू हो गई है, धूप भी आई है, बारिश भी शुरू हो गई है, देखते हैं कैसा होता है, हम जाते हैं या नहीं जाते हैं। दीदी तो अभी रेडी भी नहीं हुई है, मैं रेडी होकर आ गई हूँ, तबीयत भी थोड़ी ढीली लग रही है, तो देखते हैं क्या करते हैं। बेटा मैं खुद नहीं चल पा रही हूँ, आपको कैसे गोद में पकड़ो, ये देखो हर्षु मुझे गोद में पकड़ो बोल रहा है। तो गाइस ऋतिक की हो गई है छुट्टी, लंच कर लिया ऋतिक, ये देखो ऋतिक ने लंच कर लिया और इसकी मम्मी हो रही है रेडी। ऋतिक बैठेगा मौसा जी के साथ। तो गाइस फाइनली बसंती मान गई है आने के लिए और मुझे सरेआम धमकी दे रही है कि आज से मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं आऊँगी। ये कोई बात हुई, अंदर पड़े पड़े रहने से आदमी को घूमना अच्छा है ना, आप कमेंट करके बताना, सोए रहना अच्छा है, घूमना अच्छा है,
कभी कभी, रोज नहीं जाते हैं, 2-3 दिन से घर में ही थे। मैंने कहा चलो आज घूम के आते हैं, इसने देखा ही नहीं, मैंने भी नहीं देखा जहाँ हम जा रहे हैं आज, पूछ के जाएंगे कहाँ पहुँचते हैं। तो जब तक यहाँ है, पिथौरागढ़ में है, इसको पिथौरागढ़ देख लेना चाहिए, उसके बाद तो ये फिर अपने हस्बैंड के साथ ही चले जाएगी। तो गाइस जहाँ हम जा रहे हैं आज, वो जगह मैंने देखी भी नहीं है, मैंने परसों ही सुना और मेरा मन हुआ जाने को, तो आज हम देख के आते हैं, पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं। तो गाइस आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज हमको रोड में आते ही गाड़ी मिल गई है। मुझे तो लग, मुझे नहीं मिलती है, जब मैं अकेले आती हूँ मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ता है, बसंती की वजह से आज मुझे भी मिल गई। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं सिलधाम। बसंती मेरे को गलियारी है, अच्छे पैदल नहीं चल पा रही है ये, देखो सोए सोए रहने वाले लोगों का यही हाल होता है, चलना ज़रूरी है। तो गाइस आज मार्केट में बिल्कुल शांति है, मतलब कि भीड़ कम है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वाला माहौल हो रहा है देखो। तो गाइस जा तो रहे हैं, मुझे पता नहीं है कहाँ है। रास्ते में एक आदमी मिला था, पता नहीं कौन था। उसको बसंती एक्शन बताएगी, मैं वो काट दूंगा, एक बार एक्शन करके बता दे कैसा एक्शन कर रहा था। ये शर्म आ रही है। तो गाइस फाइनली हम घूम फिर के पहुंच गए हैं। तो गाइस हमने बना दिया है टिकट ऊपर जाने के लिए, एंड चलते हैं अब। चलो ये देखिए, आज मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ। उत्तराखंड पर्यटन आपका स्वागत करता है। बस ये देखिए गाइस, ये है रामलीला फील्ड। यहाँ रामलीला फील्ड में आई हूँ मैं, पर यहाँ ऊपर मुझे पता नहीं था। तो गाइस मैं आज मतलब सुन भी पहली बार ही रही हूँ, आज देख भी पहली बार ही रही हूँ, मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ, और साथ में ले आई हूँ बसंती को। कोई तो साथी चाहिए भाई, साथ में अकेले मज़े नहीं आते। ये देखिए पीछे का व्यू, एंड बसंती को भी देखिए साथ में। तो गाइस यहाँ से देखिए नीचे को रामलीला फील्ड। तो गाइस मैं इतिहास भूगोल पता नहीं क्या क्या लिखा है, ये देखिए पढ़ लेना, इतना लंबा मैं नहीं पढ़ सकती। तो गाइस ये देखिए बहुत ही सुंदर फूल हो रहे हैं। ये देखिए बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़। मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ अपने रुपए। हाँ तो गाइस देखते हैं हम क्या क्या है यहाँ। ये देखिए क्रॉप सेंटर, एंड ये है पारंपरिक वेशभूषा पिछौड़ा एंड चुपड़ी। तो गाइस यहाँ कुछ चल रहा है अंदर, आई थिंक म्यूजिक सिखा रहे हैं शायद। तो गाइस कभी कभी कुछ अलग भी देखना चाहिए, जाखनी को ही देख देख के बोर हो गई हूँ मैं। जाते हैं ऊपर से। ये देखिए, तो गाइज यहाँ से व्यू भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है चंडाल का, जरा पास से दिखाती हूँ। तो गाइज वो है चंडाल का व्यू पॉइंट, एंड यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है। तो गाइज जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक प्ले की शूटिंग चल रही थी, जिसका वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगी, एंड आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।